हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गुलजारा और आप लोग देख रहे हैं गर्ल रिएक्ट। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक मजे में होंगे। सो गाइज आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो होता है यूजुअली मैं आप लोगों के साथ मूवी के ट्रेलर पे, उनके टीजर पे, टाइटल अनाउंसमेंट पे या उनके लिरिकल वीडियो सॉन्ग्स पे रिएक्शन शेयर करती हूँ और अपना ऑनेस्ट रिव्यू भी बताती हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एनबीके सर के शो अनस्टॉपेबल के प्रोमो पे अपना रिएक्शन। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोमो पे रिएक्शन मतलब इसमें क्या खास होगा। खास है, वो खास ये है कि जो उनके गेस्ट आ रहे हैं 30th December को, वो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा खास है बिकॉज आई एम ह्यूज फैन ऑफ बोथ ऑफ देम, स्पेशली प्रभास दी बाहुबली। सो एनबीके सर के शो अनस्टॉपेबल में 30th December को आ रहे हैं प्रभास और गोपी चंद। सो गोपी चंद जो सर है उनकी भी मैंने काफी मूवीज देखी हैं, बट मैं अगर बोलूं तो मैं ज्यादा जो ज्यादा जिनके लिए एक्साइटेड हूँ वो प्रभास और एनबीके सर की कॉन्वर्जेशन को एंजॉय करने के लिए मुझे ज्यादा जो है एक्साइटमेंट है। बिकॉज एनबीके सर का मैंने जब से काम देखना स्टार्ट करा है, जो कि आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है अखंडा मूवी से, और उनकी अमेजिंग एक्टिंग, उनका डांस, उनका स्वैग, वो सब देखने के बाद मैं उनकी भी बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ। और अखंडा मूवी का जो इंटरवल था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस तरह का इंटरवल मैंने भी अब तक नहीं देखा, एक वो और अभी जो मैंने आप लोगों के साथ कांतारा का क्लाइमेक्स सीन्स पे शेयर किया अपना रिएक्शन। सो अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाके आप लोग कांतारा के क्लाइमेक्स सीन पे भी मेरा रिएक्शन और रिव्यू देख सकते हैं। एंड गाइज प्लीज वो वीडियो मिस नहीं करेगा। सो अभी चलते हैं और चलते देखते हैं अनस्टॉपेबल का प्रोमो और फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। सो 3, 2, 1 लेट्स गो। तो कैसे कह दी है मैंने अनस्टॉपेबल विद एनबीके सीजन 2 एपिसोड प्रोमो स्पेशल गेस्ट प्रभास एंड गोपी चंद वीडियो प्ले। बाहुबली प्रभास राजुनाम देश बहुपराग నన్ను కూడా డార్లింగ్ అని పిలవాలి. సరే డార్లింగ్ సార్, మన మధ్య సర్వానంద్ వచ్చాడు సార్. సో పెళ్లి ఎప్పుడన్నా? ప్రభాస్ తర్వాత అన్నాడు. నేను సల్మాన్ ఖాన్ తర్వాత అనగలేము. నిన్ను ఒక స్పాట్ లో పెట్టే గేమ్ ఆడతాను. ఇది ఎలా పెడతారో డిసైడ్ అయ్యి వచ్చాను. మీ లైఫ్ లో మోస్ట్ రొమాంటిక్ సీన్ ఏంటి? నీకు అసలు ఏ ఇబ్బందులు లేవు. అప్పుడు మాకు ఏది లేకపోయినా అన్నసరే గాల్ ఎక్కువ. అప్పుడు మేము ఎన్ని సినిమాలు చేసేవాళ్ళు తెలుసా సంవత్సరానికి? మరి ఆలోచించండి, న్యూస్ లో వచ్చింటాయో. సృదయాసన పొగుడుతుంటే చిన్న హట్టేవ కదా. ఓ చరణ రే, నువ్వు నా ఫ్రెండా శత్రువా? ఆ టైంలో రాజమౌళి గారు బాహుబలి ప్లానింగ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు రమా గారు లేదు వచ్చేసి మనోడు ఎలాగ స్లో కదా, ఒక సినిమా అయిపోతుంది బౌట్ మనవాడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండి అని రామ్ చరణ్ కి ఫోన్ చేశాడు. ఓకే, అతనేమో చిన్న లీక్ న్యూస్ ఇచ్చాడు. రాణి గురించే కదా సార్. రే ఇప్పుడు హీరోగా ట్రైలర్ మేడ్ గా ఉండే నువ్వు ఇప్పుడు మొదటి సినిమా మోసం చేసింది, ఏ ధైర్యంతో ఇక్కడ దాగొచ్చు? ఆ సినిమా ఇస్ టర్న్ మై లైఫ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్. అట్లా చేసేటప్పుడే తను నాకు ఫస్ట్ పరిచయం అయ్యే. పడినప్పుడు లేచిన వాడే ఇస్ అన్స్టాపబుల్. టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఏదో హీరోయిన్ విషయంలో గొడవ పడ్డారు. మనాడే పడేస్తాడో, వాళ్ళు కట్అవుట్ చూసి పడిపోతారో అర్థం కావట్లేదు. చెప్పురా, నేనైతే పడలేదు, నీకేమనుంటే చెప్పు. మా అమ్మ కంగారు పడిపోద్ది సార్, అది ఏంటో. నా ఫోటో తీసింది నువ్వే సార్. రేపు సోషల్ మీడియా తట్టుకోలేను సార్, నా మీద చెప్పదు 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 అని. ఇంటికి ముందు
గౌరవంగా పంపించి తర్వాత ను కాపు వస్తే తర్వాత ఆళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి చూసుకో బయట చూసుకో అని ఐ లవ్ హిమ్ అండ్ అన్స్టాపబుల్ టు విద్ ఎన్మికే ఓ పాట పాడండి तो गाइस ये था अनस्टॉपेबल 2 का प्रोमो जो कि एपिसोड आएगा फुल एपिसोड 30th दिसंबर को एंड गाइस इट्स गोइंग टू बी ग्रेट ग्रेट ट्रीट व्हाइल वाचिंग दीज टू लेजेंड एनबीके सर एंड वॉच टुगेदर इन अ सिंगल शो. जिस तरह अभी हमने प्रोमो में देखा कि आई कांट स्टॉप लाफिंग बिकॉज उनके जो आपस की कॉन्वर्जेशन थी जिस तरह की वो बात कर रहे थे बिल्कुल घर वाला माहौल था और बहुत ही ज्यादा दोनों इमेंसली टैलेंटेड हैं और गोपी चंद भी सर भी वो भी बहुत लेकिन बट मैं उनके बारे में इतना नहीं ना मैं उनको फॉलो करती हूँ ना मैंने उनकी इतनी मूवीज देखी हैं कुछ देखी कुछ नहीं देखी हैं बट प्रभास की और एनबीके सर की मैं ह्यूज फैन हूँ और दोनों की मस्तियां देख के मुझे बहुत मजा आया. बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए जो कि प्रीमियर होगा ऑन 30th दिसंबर को. सो गाइस आप लोग भी कितना एक्साइटेड हैं इस शो के लिए मेरे साथ कॉमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा. और एनबी और कौन सी मूवीज के सीन्स पे आप लोग मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा क्योंकि मैं उनके सॉन्ग्स पे तो रिएक्ट करती हूँ मैं उनके अखंडा मूवी के सीन्स पे रिएक्ट कर रही हूँ कर भी चुकी हूँ कुछ सीन्स पे और जो भी आप लोग की रिक्वेस्ट आती रहती है उन पर भी करती रहती हूँ. सो और कौन कौन से जो है वो उनके बेस्ट जो है वो मूवीज के सीन है मेरे साथ जरूर कॉमेंट्स में शेयर कीजिएगा. विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा लेकिन जाते जाते मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से मेरे 6K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए. 5K भी आप ही सबने कंप्लीट कराया है अब 6K भी आप ही कराएंगे तो जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए ताकि मुझे भी इसी तरह मोटिवेशन मिलते रहे अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए. सो गाइस विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.